पहला, चीन ने इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा बताया है। दूसरा, चीन का कहना है कि भारत ने एलएसी के पास ये युद्ध अभ्यास करके वर्ष 1993 और 96 के समझौतों को तोड़ा है। अब यह समझौता क्या था जिसका हवाला चीन दे रहा है? यह समझौता कहता है कि दोनों देश एलएसी के आसपास के क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे और वहां सेना की तैनाती को कम से कम रखा जाएगा। यानी चीन सीधे तौर पर यह कह रहा है कि भारत ने अमेरिका के सैनिकों को एलएसी के इतनी पास बुलाकर सीमा पर एक अस्थिरता का माहौल पैदा किया है और वहां सेना की तैनाती भी वहां बढ़ा दी गई है। नक्शे पर आप देख पाएंगे कि यह युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली में किया जा रहा है, जो समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और एलएसी से यह स्थान सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ी बात यह है कि औली को लेकर भारत और चीन के बीच कोई विवाद नहीं है और इस हिसाब से भारत चीन को यह बताने के लिए भी बाध्य नहीं है कि वो यहां अमेरिका की सेना के साथ युद्ध अभ्यास करने वाला है। इसलिए चीन का यह जो दावा है यह पूरी तरह से गलत है। आप नक्शे पर देख लीजिए, यह औली है, औली उत्तराखंड का हिस्सा है, उत्तराखंड भारत का एक राज्य है और औली में अगर भारतीय सेना अगर कोई युद्ध अभ्यास करती है तो चीन को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीन को इसलिए चुभ रही होगी क्योंकि भारत चीन के बीच संबंध अच्छे नहीं है। चीन भारत को अपना दुश्मन मानता है और चीन अमेरिका को भी अपना दुश्मन मानता है और दोनों दुश्मन देशों की जो सेनाएं हैं वो चीन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर यहां पर वॉर प्रैक्टिस कर रही हैं। ये बात चीन को समझनी होगी और ये एक नई सच्चाई है, नई रियलिटी है, नई हकीकत है चीन के लिए और ये जाहिर है कि चीन इससे बौखला गया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी आज ये तस्वीरें बहुत चुभ रही होंगी क्योंकि पाकिस्तान भी अक्सर भारत के खिलाफ अमेरिका की मदद की तरफ देखता रहता है और आज अमेरिका और भारत की जो सेनाएं हैं दोनों मिलकर ये वॉर एक्सरसाइज कर रही है। तो ये चीन के लिए तो एक बहुत बुरी खबर है, लेकिन चीन ने कभी भी हमारे साथ हुए किसी भी समझौते का सम्मान नहीं किया। कोविड और विरोध के वायरस को रोकने में शी जिनपिंग से आखिर चूक कहां हुई? दूसरा, सरकार के खिलाफ चुप रहने वाली चीन की जनता अचानक बगावत पर कैसे उतर आई? तीसरा, शी जिनपिंग के लिए अब ज्यादा जरूरी मुद्दा क्या है, कोविड वायरस को कंट्रोल करना या विरोध के वायरस को कंट्रोल करना, क्योंकि वो दोनों फ्रंट पर घिर गए हैं? और चौथा, क्या चीन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे कम्युनिस्ट पार्टी के ही कुछ असंतुष्ट नेताओं का हाथ है? यानी कुछ ऐसे नेता हैं जो शी जिनपिंग के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, जो वो दुनिया के साथ करते आ रहे थे आज वो शी जिनपिंग के साथ हो रहा है। जिन इलाकों में संक्रमण का खतरा कम है वहां पर अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लोगों के लिए आंशिक रूप से बस और ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएंगी। कोविड से संक्रमित होने वाले लोगों को अब 18 दिन की जगह सिर्फ 8 दिन का आइसोलेशन दिया जाएगा, 8 दिन आइसोलेशन में रहना होगा, पहले 18 दिन था। और कोविड टेस्टिंग भी अब पहले की तुलना में कम की जाएगी क्योंकि चीन की जनता बार बार हर हफ्ते हर 3 दिन में कोविड टेस्ट करा करा कर परेशान हो चुकी है। आज भारत की जीडीपी के नए आंकड़े आए हैं और आज के नए आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में यानी जुलाई से लेकर सितंबर के बीच भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% रहा है, जबकि पिछली तिमाही में यह जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5% था। यानी पिछली तिमाही के मुकाबले भारत की विकास दर में गिरावट आई है, लेकिन अगर दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी स्थिति में मानी जाएगी। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर 6.3% है, जबकि चीन की जीडीपी विकास दर 3.9% है। अब भारत से चीन का कंपैरिजन, चीन की तुलना करके देख सकते हैं, आज की स्थिति में हम 6.3 पर हैं, चीन जैसा देश 3.9 पर है। अमेरिका की विकास दर 2.9% है, ब्रिटेन की 2.4, जर्मनी की 0.4 और जापान की जीडीपी विकास दर 1.8 के आसपास है। लगभग 6.5 करोड़ की आबादी वाले गुजरात में विधानसभा का चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है और कल पहले चरण में गुजरात की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो चलिए, चुनाव भी आ गया। इन 89 सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार हैं और इन सीटों पर कुल वोटर की संख्या है 2,39,00,000। पिछले चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की 182 में से 99 सीटें जीती थी।
और सरकार बना ली थी। कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी और इस बार का चुनाव लेकिन पहले जैसा नहीं है। इस बार ना तो पटेल आरक्षण जैसा कोई बड़ा मुद्दा चर्चा में है और ना ही किसी दूसरे मुद्दे पर कोई बात हो रही है। बड़ी बात यह है कि 80 साल के खड़गे गुजरात में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ना तो सोनिया गांधी चुनाव प्रचार कर रही हैं, राहुल गांधी भी सिर्फ एक बार गए और उन्होंने खड़गे को अपने दम पर यह चुनाव लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। और खड़गे लगातार एक के बाद एक सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहे हैं, निजी हमला कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि जितना वो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करेंगे, निजी हमले करेंगे, कांग्रेस को उतना ही नुकसान होगा। अब आप देखिए वो रावण वाला बयान। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं आप, किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा सौ मुख है क्या है? अब आपको राहुल गांधी की कुछ नई तस्वीरें दिखाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कल राहुल गांधी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया और वहां पुजारियों से भी बड़ी देर तक वो बातचीत करते रहे। आप भी इन तस्वीरों में राहुल गांधी का एक नया रूप, नया अवतार देख पाएंगे। और आपने ये नोट किया होगा कि चुनावों से पहले राहुल गांधी अचानक मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं, राहुल गांधी अचानक हिंदुत्व की तरफ बढ़ जाते हैं और इस बार गुजरात चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल गांधी मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। कई कैमरामैन उनके साथ हैं जो लगातार उनके वीडियोस बना रहे हैं और उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं। अब उन्हीं की कांग्रेस पार्टी इसी बात को मुद्दा बनाती थी जब प्रधानमंत्री मोदी किसी मंदिर में जाते हैं कि वो अपने साथ फोटोग्राफर्स को क्यों लेके जाते हैं, वो तस्वीरें क्यों खिंचवाते हैं वहां पर और वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों होती है। लेकिन जब राहुल गांधी गए हैं तो वो भी अपने साथ लंबी चौड़ी प्रोडक्शन की टीम लेकर गए हैं, वो भी वहां पर हाथ जोड़ने तो गए हैं, पूजा करने तो गए हैं, लेकिन साथ साथ शूटिंग भी चल रही है। तो महाकाल के मंदिर में ये जो शूटिंग है ये भी आप देख सकते हैं। तो भक्ति और शूटिंग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब अपनी बारी आती है तो कांग्रेस के नेता चुप रह जाते हैं, तब उन्हें ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो वो तुरंत इसी मुद्दे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये तस्वीरें चंडीगढ़ में पंजाब के सचिवालय की है, पंजाब सचिवालय की, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान और बाकी के मंत्रियों के दफ्तर हैं, लेकिन उनके सारे कार्यालय आजकल बिल्कुल खाली पड़े हैं क्योंकि ये सारे मंत्री या तो गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं या दिल्ली में अपनी चुनावी ड्यूटी दे रहे हैं एमसीडी चुनाव के लिए। तो आज हमारे रिपोर्टर पंजाब के इस सेक्रेटेरिएट में पहुंच गए और जो सेक्रेटेरिएट भरा हुआ होना चाहिए था, जहां पर कामकाज होना चाहिए था, क्योंकि आज वर्किंग डे है, जहां पर सरकारी कर्मचारी होने चाहिए थे, जो कॉरिडोर्स हैं वो भीड़ से भरे हुए होने चाहिए थे, उनकी क्या स्थिति है आप देखिए। एक एक करके पूरे सचिवालय की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ये पूरा मंत्रियों का कॉरिडोर है जहां पर पंजाब के तमाम कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, वो यहां पर तस्वीर क्या है, सन्नाटा पसरा हुआ है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। गुरमीत सिंह मीत हेयर कैबिनेट मंत्री हैं, बोर्ड आप बाहर लगा देख सकते हैं। और इसके अलावा इनके कमरे में जरा कैमरे को ले जाते हैं तो आप देखिए तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि ये खाली कुर्सियां, शायद अखबार भी पुराना पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई इसकी देखरेख करने वाला नहीं है। ये है अमन अरोड़ा, बड़ा महत्वपूर्ण सूचना विभाग, पब्लिक रिलेशन का विभाग, शहरी निकाय विभाग इनके पास है और इन कमरे के बाहर ताला नहीं लगा हुआ है,
लेकिन कुंडी जरूर बंद हुई है और मंत्री जी के कमरे में लाइटें तक नहीं जली है, अंधेरा पसरा हुआ है। और ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि जिस तरीके से लाइटें बंद हैं कि मंत्री जी पिछले कई दिनों से अपने दफ्तर में आए भी नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, ये भी है कुलदीप सिंह धालीवाल, कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्री जी हैं? मंत्री नहीं। कहाँ, कब से नहीं आए? कल इतनी से। अच्छा। और यहाँ पर ये मंत्री जी हैं, नंबर भी लिखा हुआ है मोबाइल। तमाम वादे और दावे किए गए थे कि सरकार आपके द्वार पर होगी, लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। ये हरपाल सिंह चीमा हैं जो कि पंजाब के वित्त मंत्री हैं, लेकिन चुनाव में बिजी होने की वजह से इनके कमरे को यहाँ पर लॉक किया गया है। लॉक हालांकि इस पर दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी तरह का लॉक है। और लालचंद कटारू चक, ये भी जो है मंत्री हैं, जंगली विभाग भी हैं और भी कई इनके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं जो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन आज सुबह 32 वर्ष की उम्र में लक्ष्मी की मौत हो गई। लक्ष्मी का जो नाम पड़ा था, इस हथनी का नाम लक्ष्मी था, जो वर्ष 1995 से ही भगवान गणेश को समर्पित इस मंदिर में रहती थी। और इसीलिए जब लोगों को उसकी मौत की खबर मिली तो वो भावुक हो गए और पूरा इलाका सदमे में चला गया। लक्ष्मी जब 5 साल की थी तब उसे पुडुचेरी के इस प्राचीन मंदिर में लाया गया था और तब से ही उसे लोगों का बहुत प्यार मिला। लोग इस मंदिर में गणेश जी के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन लक्ष्मी के दर्शन किए बिना भी वापस नहीं जाते थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को लक्ष्मी से बहुत लगाव था और लक्ष्मी का शांत और सरल स्वभाव ही लोगों को उसकी तरफ बहुत आकर्षित करता था, क्योंकि वो भी सबसे प्रेम करती थी। हालांकि आज सुबह जब लक्ष्मी को मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाया जा रहा था तब अचानक वो रास्ते में बेहोश हो गई। इसके बाद डॉक्टर्स को बुलाया गया लेकिन लक्ष्मी की जान बची नहीं और लक्ष्मी की मौत कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है।